First of all, congratulations to you and the team. Trailer is fantastic. And Baji, too, congratulations to you as well for the National Award. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप जैसे पूजा बन के आप जैसे करते हैं मतलब कॉल वॉल सच बताइए आपने कॉलेज के टाइम पे ऐसे प्रैंक्स किए थे कॉलेज के टाइम में स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था कॉलेज में तो ऑफकोर्स स्कूल के टाइम मुझे याद है आई थिंक आई वॉज इन टेंथ एंड देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन नाइन्थ तो वो हम दोनों लड़की की आवाज़ से ना जैसे अंकल ने फोन उठा लिया लड़की गर्लफ्रेंड के पापा ने उठा लिया तो तब हम लड़की की आवाज़ से कि कैन वी जस्ट टॉक टू हर सो और आसान हो जाता था जैसे एक सीन था जहाँ पे यू नो आप है और बाकी सब कैरेक्टर्स है सब रामलीला के कॉस्ट्यूम में है एंड यू एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक क्लाइमैक्स का सीन है या समथिंग वेयर यू नो द रिवीलेशन इज देयर तो कहीं ना कहीं वो जाने भी तो यार की याद जरूर दिलाता है जो रामलीला के सीन की अगर बात करें सो इज इट अ काइंड ऑफ होमाज पेड टू द आइकॉनिक सीन ये राज को बताना चाहिए आई थिंक अब वो क्लाइमैक्स सीन तो नहीं है लेकिन राज यू वांट टू से समथिंग एक्चुअली जब भी हम रामलीला और उसकी बात करते हैं तो जाने भी देयर में एक्चुअली महाभारत थी आप अगर देखें तो और वो महाभारत का वो जो सीन है उसको कहीं हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सीन से वो एक आइकॉनिक सीन है वो ऑलरेडी हो चुका है तो ये हमारा अपना एक अलग टेक है इस पर तो आई होप कि जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस किस्म से कॉमेडी किया उसमें किरदार क्या क्या कर रहे हैं नुसरत यू आर नोन एज द पंचनामा गर्ल सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट ड्रीम गर्ल मतलब ये जो ड्रीम गर्ल है इसमें आप हैं लेकिन सारा ग्लैम तो पाजी लेके जा रहे हैं अरे 100% बट आई थिंक कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा कोई नहीं करेंगे सर I think even in Panchnama when the film came nobody expected that the girls would do that and I think that's been what I've been doing ki jo tum nahi sochoge wahi aayega so even when the title came out people thought I would be the dream girl first but it's not so I like it I think on a larger scale the film has to be the most important that for me that is the star that is the central character and to be a part of an amazing film is always going to be my first priority and when I heard the narration it was the easiest of casting I think I've ever been to I walked into Balaji I met Ruchika I met them they gave me a narration and he really is a con artist he can really convince you and I heard the narration and I said I'll do it and Raj is like okay done I said okay done Ruchika okay dates done okay and I was on set shooting it was as simple as that so yeah I think that is what you're going to see in this आयुष्मान मेरा सवाल आपसे है जैसा कि ठीक होस्ट ने जैसे आपसे सवाल किया था कि आप आपने डे वन से जो आपका करियर का ग्राफ देखें तो आपने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर को तवज्जो दी है हमारे जमाने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं पर स्टारडम का जो ये मुकाम है इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा आई थिंक इससे हिम्मत आती है आपकी जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में बोर और करेज आता है यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस जब आपको लगता है आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज की है और लोगों को पसंद आ रही है लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए एंड ड्रीम गर्ल इज अगेन दैट फिल्म और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था मैं अंधाधुन में नहीं था इट इज़ वेरी डिफरेंट पर हाँ यहाँ पे एक आम आदमी है वही हमारे देश में एक प्रथा रही है रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीता बनता है तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता इसमें हिंदुस्तान में होता है तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों की अब तक तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ चेक हाय आयुष्मान दिस साइड फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग ट्रेलर आई शुड से मैं इतने पंचेस थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड थैंक यू एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही बट देन इट हैज हेल्प्ड यू बट देन जब आप राधा सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए आई थिंक इट वाज ऑल इन द लाइन जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं पंचेस राज शांडिल्य लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है पर यहां इस फिल्म के अंदर यू सी द रेलेवेंस नाउ ऑफ इट देयर यू गो ही डिड इट फॉर मी But nevertheless, I think when you are actually behaving like a girl or maybe sounding like a girl, तो आप अचानक ही आपकी body language change हो जाती है
एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर को डायरेक्टर विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से, एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक मेन आर ऑल्सो गोइंग गागा ओवर यू. सो इट वॉज ऑफकोर्स चैलेंजिंग फॉर श्योर. ऑल्सो जस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ड्रीम गर्ल जो है वो हेमा मालिनी जी को माना जाता है अभी भी, बट देन एक नई ड्रीम गर्ल हमें इंडस्ट्री में मिल गई है, आई शुड से दैट. नहीं नहीं, वो ड्रीम गर्ल ही है जो है, और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म हमारी. थैंक यू सो मच. थैंक यू आयुष्मान. आयुष्मान कांग्रेट्स ऑन विनिंग द नेशनल अवार्ड. थैंक यू. ये तो बहुत पहले ही मिलने चाहिए आपको, लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, यू नो डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है? आपने फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टारडस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं, और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं, आपको लगता है जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीजन से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्ट एक बच्चे की तरह होता है, यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी, जब भी आपको अवार्ड मिलता है गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स बिकॉज इट इज विद द नेशन, और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पे सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया है अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. So it just the same connotation, वही relevance है. At the same time, I was shooting that time, जब national award पता लगा मुझे मिला है, and जब मैं shot से वापस आए, in like 5 minutes there were 40 missed calls. मैंने कहा क्या हो गया 10 minutes के अंदर. तो they were like from different numbers. Then I started reading the messages. तो पता लगा national award मिला है. So it was like a weird excitement, क्योंकि मैं जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. I didn't get that moment with myself because I was surrounded with 50 people. तो but I'm still trying to just digest that. ओके, मेरा सवाल राज शांडिल्य जो डायरेक्टर है, सर आपने बहुत सारी इधर आपके लेफ्ट पे, एक्चुअली आपने बहुत सारी कॉमेडी सर्कस के आप हमेशा ही राइटर रहे हैं, तो क्या बहुत मुश्किल था इस फिल्म के बारे में, मतलब कहाँ आप स्टक हुए, या फिर जो आपकी स्क्रिप्ट रही है वो कितनी इम्प्रोवाइज हुई है ऑन लोकेशन? कॉमेडी सर्कस हो या बाकी जितने भी शोज हो, आपने देखा होगा हम लड़कों को लड़की बनाते रहे. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं. हाँ, आप पर्दे पर उस चीज को अलग तरीके से पेश करना, यू नो वो एक चैलेंज था कि 2 घंटे की फिल्म में वो सब चीज़ें बोलना, वो सब चीज़ें कहना जो हम कहना चाहते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक्टर बहुत अच्छे हो तो वो ना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए आयुष्मान और बाकी जितने भी लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो इतनी नेचुरल है कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती लड़की बनाया है, यू नो. तो वो एक चैलेंज था, लेकिन अंदर से आया, मतलब अंदर से हर एक लड़के के अंदर, आदमी के अंदर एक औरत होती है, तो वो औरत मैंने बाहर निकाल दी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं.